आज के इस दौर में, यानी आज के इस वातावरण में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। साथ में पेट से संबंधित रोग जैसे कि पेट में एसिडिटी होना, जलन होना, पेट में दर्द होना, पेट में अफारा सा महसूस होना, पेट में अपच की समस्या होना, पेट में गैस बनना और कई अन्य तरह की समस्याएं जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं के कई कारण हैं, कई बहुत सारे कारण हैं। और इन बहुत सारे कारणों में से एक प्रमुख कारण है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसके नज़रअंदाज करने से हम कई खाद्य पदार्थों को एक साथ, जिनको नहीं लेना चाहिए, विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे के विरोधी प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं, और उन खाद्य पदार्थों को जब हम ले लेते हैं तो हमारी सेहत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमारी सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर एक जहर का काम कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, इसी बात पर कि हमें किन खाद्य पदार्थों को किन खाद्य पदार्थों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको एक साथ लेने से हमारी सेहत पर बहुत नुकसान हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि दूध के साथ किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूध के साथ हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, कि जैसे दूध होता है क्षारीय प्रकृति का और जो दही होता है वो एसिडिक प्रकृति का होता है, तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो अगर समान प्रकृति होती तो हम एक साथ इनका भोजन ले सकते थे, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होने की वजह से ये हमारे शरीर में जहर का काम कर सकते हैं, इसलिए दूध और दही का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। दूध के साथ प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध क्षारीय प्रकृति का होता है और प्याज जो होता है वो एसिडिक होता है, तो दोनों का सेवन वर्जित है और हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। दूध के साथ मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की प्रकृति अलग है और मूली की प्रकृति अलग है। इसी तरीके से दूध के साथ खट्टे फलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, अंगूर जैसे फल दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। हाँ, इन खट्टे फलों को आप दही के साथ जरूर ले सकते हो, लेकिन इन खट्टे फलों का सेवन जब हम दूध के साथ करते हैं तो ये हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारे घर पर हम करेले की सब्जी बनाएं या करेले का जूस बनाएं और हमने पी लिया या करेले की सब्जी खा ली, तो उसके बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध और करेला हमारे शरीर के लिए जहर पैदा कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप इसमें नमक का सेवन ना करें इसके साथ, और दूध और नमक की दूरी हमेशा बनाए रखें। तो ये थी दूध के साथ हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दही के साथ हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि आपने दालों के नाम बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन उड़द की जो दाल होती है, तो उड़द की दाल का सेवन दही के साथ कभी नहीं करना चाहिए। मान लो हमने घर में उड़द की दाल बनाई, या उड़द के जो बड़े बनते हैं, बड़ों को दही के साथ बड़े चाव से हमारे इंडिया में खाया जाता है। जैसे कि उड़द की दाल का जो बड़ा होता है, या उड़द की दाल हम जब बनाते हैं तो बना करके जब हम खाते हैं और उसके साथ जब हम दही ले लेते हैं तो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दालें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उड़द की दाल में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो दही उसके लिए सही नहीं रहता और हमारे शरीर में जो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है, इसलिए दही के साथ उड़द की दाल का सेवन ना करें। इसी तरीके से हम सब जानते हैं कि शहद के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं और घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन शहद और घी का जब एक साथ प्रयोग करके हम लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है, तो शहद और घी का भी प्रयोग एक साथ ना करें। एक अन्य उदाहरण जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में हमने गर्म खाना खाया, या कहीं पर भी आपने गर्म खाना खाया, और गर्म खाना खाने के बाद हम अक्सर क्या करते हैं कि आइसक्रीम खाने का शौक़ रखते हैं। कुछ लोगों को तो मीठा खाने का शौक़ रहता है और कुछ लोगों को ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने का शौक़ रहता है, जैसे आइसक्रीम खा लेते हैं। तो गर्म खाना खाने के बाद यदि आप आइसक्रीम का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए विपरीत गुण हो गया,
ये एक चीज़ गर्म थी, दूसरी चीज़ आपकी ठंडी है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर में हमारी सेहत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए गर्म खाने के बाद कभी भी आइसक्रीम का प्रयोग ना करें। और इसी तरीके से जो लोग जैसे चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं और चाय कॉफ़ी पी उसके जस्ट बाद 5 मिनट बाद ही 10 मिनट बाद ही वो आइसक्रीम का सेवन कर लेते हैं, तो उन लोगों को भी चाय या कॉफ़ी के बाद आइसक्रीम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी कि हमें किन फूड आइटम के साथ कौन सा फूड आइटम नहीं लेना चाहिए जो कि हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।